पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या पूछेंगी आप? मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करती हूँ। पूछिए। पर्सनल लाइफ में लाइक आप किसके ज्यादा क्लोज हैं? इन टर्म्स ऑफ मॉम और डैड? मॉम एंड डैड एंड योर लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप। वैसे तो बॉर्न ब्रॉट अप हार्ड को मुंबई आई हूँ, पैदाइश मुंबई की है। स्टडीज मैंने कंप्लीट की बॉम्बे में ही। कॉलेज गई सेंट जेवियर्स कॉलेज। उस वक्त मैं लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए मैंने ये सोचा था कि कॉलेज के बाद मैं कुछ लिटररी करूँगी। आई डिड माई ग्रेजुएशन विद इंग्लिश लिटरेचर और कॉलेज इज़ डेफिनेटली द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बिकॉज जितना मज़ा मैंने कॉलेज में किया है शायद ज़िंदगी में उसके बाद कभी नहीं किया। And it was fun क्योंकि every morning when you woke up it was like wow okay I'm gonna go to college, I'm gonna meet my friends. मेरा 95% attendance हुआ करता था and in spite of that I had a blast. I think उसका major credit जाता है मेरे professors को और college को, because it was a brilliant college. उसके बाद college 1:30 बजे ख़त्म हो जाता था लेकिन हम 4 बजे तक college canteen में बैठ के गप्पे हाँकते थे, मज़ा करते थे। Xavier's is the most beautiful place in the rains. अगर कोई जेवियर्स में पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जितनी खूबसूरती उस कॉलेज में है शायद बम्बई के किसी कॉलेज में नहीं है। आफ्टर कॉलेज अचानक पता नहीं डिटूर लेके मेरी लाइफ कहीं और चली गई, बनने चली थी जर्नलिस्ट, बन गई मॉडल, मॉडल से वीजे, वीजे से एंकर, एंकर कंपेयरिंग करने के बाद फिर अचानक 1.5 साल पहले बन गई टेलीविजन एक्ट्रेस। इसमें से कुछ भी कभी नहीं सोचा था। इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स, मुझे लगता है कि आज मेरा करियर अगर कहीं भी है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाएगा टू माय पेरेंट्स, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ प्रॉपर मिडिल क्लास कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली जहां पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये लड़की आगे जाके मॉडलिंग करेगी या एक्ट्रेस बनेगी। और मेरे मम एंड डैड ने हमेशा होल हार्टेडली मुझे सपोर्ट किया है विद एवरी डिसीजन दैट आई हैव मेड विद माई लाइफ। एंड आई थिंक दैट इफ आई हैव एनी लेवल ऑफ सक्सेस इट इज़ ए बिकॉज ऑफ माई मॉम्स प्रेयर्स एंड बी बिकॉज ऑफ माई डैड्स बिलीफ इन हिज डॉटर। मैरिज प्लान्स? मैरिज प्लान इस वक्त तो सिर्फ प्लान ही है। देर इज नथिंग दैट्स रियली ऑन द कार्ड, देर इज नथिंग एक्चुअली लिटरली ऑन द कार्ड सो फार। ना तो जसी में मेरी शादी हो रही है, ना तो क्यूकी में शादी हो रही है। एक्चुअली जसी में आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड, अरमान और मैं बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं। सो आई थिंक द ओनली मैरिज दैट्स हैपनिंग राइट नाउ इज मलिका एंड अरमान। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। माय प्लेजर एंटायरली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।